370 के बाद मैं दुनिया के कई इस्लामिक देशों में बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त करके आया हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। 370 के बाद मेरे 8 लोगों को, मेरे देशवासियों को फांसी हुई थी। 370 के बाद की घटना है, उनको जिंदा वापस लेके आ गए। उस समय मोदी जी, मैं बहुत सारे जो हमारे ऑपोजिशन के लोग हैं उनके बयान सुनता था, जब कतर में हमारे लोगों को फांसी की सजा हो गई, वो जेल में थे, ओवैसी ने कहा मोदी जी तो कहते थे उनके बड़े संबंध हैं, क्या हुआ? अरे ये तो विश्वगुरु बनते थे, क्या हुआ? किसने कहा कि कतर, मोदी जी कहते थे इज माई सेकेंड होम, अब कुछ नहीं कर पा रहे? या तो उन्होंने मोदी का पूरा स्टडी नहीं किया है, या तो वो मोदी की बात आई उस समय मीडिया में जाएंगे तो थोड़ी जगह मिल जाएगी इसलिए जता ले जाते हैं, क्योंकि मोदी एक ऐसी ब्रांड है जिसमें जिसके कारण तो गाली देने से भी उसको स्पेस मिल जाता है, और इसलिए लोग मौका ढूंढते हैं, यार गाली किसी और को देने से क्या फायदा है, मोदी को देंगे तो। और इसलिए जल्दबाजी, उनको पता होना चाहिए कि यार कुछ तो होगा, ये कुछ तो चलता होगा।